Good morning, students. Welcome back to the chapter number 1 of economics in 11th standard. We had done the part 2, right? And where we tried to understand different things in the chapter. Now we take upon a new topic altogether, which is the economic activity and non-economic activity. Till now, what you learned is that what did the experts say? Paul Samuelson, Alfred Marshall, and Lionel Robbins, they had written the books, and what is economics according to them. But now let us try to understand that what is economic activity and what is non-economic activity. Right. Economic activity. What is the purpose of economic activity? Economic benefit. कुछ पैसे का बेनिफिट मिलना चाहिए सामने. जैसे पहले बार्टर सिस्टम थी, तो कोई गेहूं के सामने क्या करता था, राइस देता था, वहां भी बेनिफिट मिलता था. अब मीडियम क्या है, मनी. क्या आप कुछ बेचते हो तो आपको पैसा मिलता है, आप कुछ सर्विस देते हो तो आपको पैसा मिलता है. इस तरह से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, आपको खर्चा करना पड़ता है, सामने आपको बेनिफिट की आप आशा रखते हो. तो बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम, इनकम मिल सकती है आपको, राइट. उसमें इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इनकम कैसे भी हो सकती है, आपको फीस मिल सकती है, आपको सैलरी मिल सकती है, आपको जो है प्रॉफिट मिल सकता है, राइट. जो अपन बीए में पढ़े हैं, तीन तरह के प्रोफेशन होते हैं, राइट, प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीजें पढ़े हैं. तो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ है ये, तो इनकम है. फिर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स को एक्सचेंज करता है, एक बायर और एक सेलर को चाहिए, उसके बिना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना पॉसिबल ही नहीं. तो भाई किसी को पेंसिल का बॉक्स बेचना है स्टेशनरी वाले को, तो सामने खरीदने वाला भी होना चाहिए. सो दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स. सर्विसेज को भी एक्सचेंज किया जा सकता है, बैंक सर्विस देती है, इंश्योरेंस कंपनी सर्विस देती है, ये सब सर्विसेज देते हैं, राइट. इकोनॉमिक गेन में फायदा क्या, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट. कोई इंसान जब अगर कोई जगह पे घूम के आया, कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स ने उसको पैकेज दिया, तो वो क्या कर रहा है, टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला उसको जो है पैकेज दे रहा है, सामने सर्विस दे रहा है, तो वो बंदे को एक सेटिस्फैक्शन होगा, मैं घूम के आया, तो उसको भी खर्चा करना पड़ेगा. यानी सेलर को पहले क्या खर्चा करना पड़ेगा, कहीं से खरीद के, या तो अगर खुद मैन्युफैक्चर करता है तो उसमें भी खर्चा करके फिर बाद में उसको बेचना पड़ेगा. खरीददार को अपने संतोष के लिए, अपनी नीड के लिए उसको खरीदना पड़ेगा, या वो गुड हो या सर्विस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसका भी खर्चा होता है. और वो क्यों करता है, वो इसीलिए करता है कि उसको सेटिस्फैक्शन हो, उसकी जरूरत पूरी हो. और सेलर या प्रोड्यूसर क्यों करता है, ताकि वो अपनी चीजों को बेच पाए और प्रॉफिट कर पाए. तो ये होती है इकोनॉमिक, राइट. तो एक्सचेंज एंड कॉस्ट, एक्सचेंज कॉस्ट तो दोनों को इन्वॉल्व है, खर्चा तो दोनों का होता है, मैंने जैसे आपको बताया, राइट. अभी एग्जाम्पल्स क्या है, फार्मर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, लॉयर्स, टीचर्स, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है और बेनिफिट दोनों से, राइट. कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे फार्मर का एग्जाम्पल ले लो, उसको खाद लेनी पड़ती है, उसको पानी का खर्चा करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करना पड़ता है, लॉयर है, प्रोफेशन करता है, तो बंदे को खुद की ऑफिस लेनी पड़ती है, राइट. और साथ साथ में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है. टीचर्स जॉब करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना योगदान देते हैं सर्विस का, उनको भी सैलरी मिलती है, फीस भी मिल सकती है अगर वो प्रैक्टिस करें तो. ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें खर्चा है और सामने बायर को भी है और सेलर को भी है. और एक चेन ऑफ एक्टिविटी, अब चेन ऑफ एक्टिविटी में आपको इस तरह से समझा सकता हूं, जैसे फार्मर है गेहूं का, अब वो गेहूं सबके सब अपने पास नहीं रखेगा, थोड़े उसमें से बेचेगा, अब बेचे जो गेहूं उसमें से जो पैसे आए वो अपने पास नहीं रखेगा, उसमें से वो कुछ खर्चा करने की कोशिश करेगा. उसको इच्छा हो गई मुझे बाइक लेनी, अच्छा बाइक लेने जाएगा, वहां पे वो पैसे देगा. बाइक वाला जो है पर्टिकुलर ओनर, वो बंदा क्या करेगा, बाइक ओनर का शोरूम है, वो पैसे आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास बाइक बेचे उसको पैसे मिले, तो वो क्या करेगा, अपने बच्चों की स्कूल फीस भरेगा. अब स्कूल फीस भरी, तो स्कूल फीस भरेगी तो अल्टीमेटली स्कूल क्या करेगा, उसमें से सैलरी करेगा. अब वो सैलरी जिस बंदे को मिली वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए करेगा.
बेचता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, और ये सिलसिला चलता ही रहता है. इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी विच कैन नॉट स्टॉप. अगर ये स्टॉप हो गई यानी समझ लो कि मार्केट में से पैसा खत्म हो जाता है. ये एक्टिविटी को कंटिन्यू करना जरूरी होता है. उसके बाद ये आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है उसके पीछे कि भाई प्रॉफिट चाहिए या कुछ भी, वेजेस चाहिए या सैलरी, ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है. कोई इकोनॉमिक गेन नहीं है इसमें, कोई इकोनॉमिक फायदा नहीं है, पैसे का कोई फायदा नहीं है ना कोई बेनिफिट. राइट, इसमें एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स होता ही नहीं है, बायर सेलर ऐसा कुछ नहीं होता है. इसमें बोथ साइड्स पे क्या होता है, कोई एक्सचेंज होता है. इसमें ज्यादातर क्या होता है, चैरिटेबल एक्टिविटी, लोग चैरिटी करते हैं, दान धर्म करते हैं. फिर ये किस लिए होता है, किसी को कंपैशन होता है, जैसे माँ अपने बेटे की सेवा करती है अगर वो बीमार पड़ गया, या ऐसे भी माँ को सेवा करती है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक नर्स अपने घर पे अपने बच्चे का ध्यान रखती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक डॉक्टर अगर कोई रिलीफ कैंप में जाता है, आर्थरेट हुआ, वहां पे सेवा देने की कोशिश करता है और सामने उसे कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ वो सेवा देता है, उसे भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है. तो ये सब चीजें क्यों होती है कि आप अपनी दिल से करते हैं, आपको लोगों के लिए भावना है कि भाई मैं समाज की सेवा करूं, इसीलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. राइट, इन्वॉल्व कॉस्ट, कॉस्ट क्यों इन्वॉल्व होती है, जैसे आपको किसी की सेवा करनी है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा. अगर बड़ा पैमाने में करोगे तो बड़ा खर्चा होगा, पर सामने कोई भी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको सामने कुछ फायदा नहीं मिलता है. हाँ, अंदर से सिर्फ संतोष मिलता है, मैंने किसी की सेवा की, इसीलिए उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है. राइट, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ आ गया होगा. इसमें पर्पस क्या है, फायदा होता है, पैसे खर्चो, चीजें बेचो, आपको फायदा होगा, सामने वाले को संतोष मिलेगा, मैंने इतने पैसे खर्चे और बढ़िया तरीके से मुझे बोला. तो इकोनॉमिक गेन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एग्जाम्पल्स दिए मैंने, फार्मर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं. और एक चेंज जो मैंने आपको समझाया, फार्मर बाइक वाले को बेचता है, बाइक वाला स्कूल में फीस भरता है, स्कूल वाला टीचर्स को सैलरी देता है, टीचर्स सैलरी में से और करते हैं, तो ये सब पूरा चेंज चलता रहता है. नॉन इकोनॉमिक सेवा करना, देश की सेवा हो, लोगों की सेवा हो, कोई भी सेवा हो सकती है, उसमें खर्चा होता है और सामने कोई बेनिफिट. ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ आ रहे होंगे. और आगे बढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो आप साइंस में तो पढ़े हो, माइक्रो यानी छोटे, माइक्रो यानी छोटे. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एक एक यूनिट्स की जो पर्टिकुलर स्टडी करता है इकोनॉमी, यूजेस प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म, छोटे छोटे मार्जिन को ध्यान में रख के हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स टेक डिसीजन, और एक एक डिसीजन कैसे लेता है, एक बिजनेस यूनिट डिसीजन कैसे लेता है, उसकी स्टडी की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स. एग्जाम्पल, प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन मींस जो प्राइस डिसाइड होता है मार्केट में, उससे डिमांड पे किस तरह से असर होगी, या तो सप्लाई में किस तरह से असर होगी. प्रोड्यूसर जो होगा वो क्या करेगा, अपना सप्लाई कम कर देगा अगर प्राइस कम होगी. तो इस तरह से क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटे लेवल पे जो डिसीजन लिए जाते हैं उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है. एग्जाम्पल दिया है प्राइस डिटरमिनेशन इन अ मार्केट, प्राइस डिसाइड जब होता है मार्केट में क्या असर होता है, प्राइस डिसाइड होती है तो क्या असर. फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू स्टडी करता है जो एंटायर इकोनॉमिक सेटअप को असर करता है, पूरे एंटायर इकोनॉमिक सेटअप, इंडिया का भी हो सकता है, वर्ल्ड का भी हो सकता है, पर हम इंडिया की बात करें. अब इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम प्रॉब्लम नहीं है, पर नेशनल इनकम को जो है कैलकुलेट करना जरूरी है, वो हर साल कैलकुलेट होता है और हर फाइनेंशियल ईयर में होता है, जो आपका है 1 अप्रैल से 31 मार्च. तो नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, सब गुड्स सब सर्विसेज को मल्टीप्लाई किया जाता है जो मार्केट वैल्यू से, और फिर नेशनल इनकम निकलता है. वो आपके आगे के चैप्टर्स नेशनल इनकम में आपको डिटेल में सब जाएगा नेशनल इनकम कैसे. उसके बाद आपका देश में प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसका पर्टिकुलर स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तरह तरह के अनएम्प्लॉयमेंट आप बढ़ चुके हो, पहले पावर्टी यानी गरीब, राइट. फिर है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है किस
पूरे देश का ऑपरेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है उसकी स्टडी की जाती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा हमें रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट में रिसोर्स हमारे कौन से है, लैंड, फिर आपका लेबर है और कैपिटल है और ये चारों का उपयोग, रिसोर्स बोलो या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलो, पर जो उपयोगी है वही रिसोर्स, बाकी कोई रिसोर्स नहीं है, राइट। तो वो रिसोर्स को कहां से कितना एलोकेट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, उसे बोला जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। कहीं उपयोगी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए तो उसको मैनेज करना जरूरी है, फिर वो लेबर हो या लैंड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट और उससे फायदा क्या होता है कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, हमारी पॉवर्टी कम होती है, राइट। अगर देश की गरीबी कम होगी और पॉवर्टी जो है गरीबी कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो देश की स्थिति और डेवलप हो सकती है, देश और आगे हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट को मदद करता है ऐसी पॉलिसीज बनाने में माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई, उसको भी कैसे कंट्रोल करना है, उसकी पॉलिसीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में बनती है। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा है और बढ़िया ध्यान रखने की है कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स का बिहेवियर है, छोटे छोटे यूनिट्स का जो बिहेवियर है, यानी अगर छोटा सा सेक्टर वो अगर कुछ डिसीजन लेता है तो एंटायर इकोनॉमी पे असर होती है, और अगर एंटायर इकोनॉमी का कोई डिसीजन लिया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का डिसीजन लिया ऑल इंडिया, तो उससे काफी छोटे छोटे यूनिट्स, खास करके गारमेंट्स वालों पे और जो पावतियों पे बिजनेस करते हैं, पक्के बिल पे नहीं करते थे, उनको काफी दिक्कत आने लगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिसीजन है माइक्रो इकोनॉमिक्स को असर कर सकता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कर सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इन छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है, राइट। और इसमें कौन सा प्रिंसिपल, मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल यूज किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल यूनिट्स होते छोटे छोटे कोई भी डिसीजन लेते हैं उसे मार्जिनलिज्म बोला जाता है। और इसमें एक एग्जांपल दिया है प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट, भाई मार्केट में जो सप्लायर्स प्राइस डिसाइड करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में जो है पर्टिकुलर कितना सामान बिकेगा, प्राइस जितनी ज्यादा उतना ज्यादा सामान बिकेगा, ठीक है। ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका क्या है, बड़े बड़े एंटायर इकोनॉमी का सेटअप है उसके इश्यूज करते हैं, राइट। जैसे डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैसे डिसाइड किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट का जो बेरोजगारी है, फिर पॉवर्टी गरीब, आपका पॉपुलेशन कितना ग्रो हो रहा है वो जानना है, तो ये सब प्रिंसिपल उसमें वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, आपका देश में जो रिसोर्सेस है उसको कैसे मैनेज करे, उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है, और नेशनल इनकम को भी बढ़ाना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो असर है वो भी कम करना है, ये सब चीजों में प्रिंसिपल से करते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स का जो बिहेवियर है, तरीका है काम करने का, वो बड़े इकोनॉमिक सेक्टर पर असर हो सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर है गारमेंट सेक्टर, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इकोनॉमिक सेटअप पूरा देश का हिल सकता है, राइट। उसकी नेशनल इनकम पे असर हो सकती है, कंप्लीटली असर हो सकती है, डेफिनेटली, क्योंकि वो सेक्टर अगर मंदी चल रही है उसकी वजह से पूरे देश पे असर हो सकती है। और अगर देश कुछ डिसीजन ले, जैसे मैंने जीएसटी का एग्जाम्पल दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो डिसीजन लिया था, उसकी वजह से काफी यूनिट्स को असर हो सकता है, उनको जीएसटी कैलकुलेट करने में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, उसे डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब किया है, डिस्क्रिप्टिव मैनर, तो उसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो टफ होता है, सबको समझ नहीं आता, समझाने के बाद ही समझ आता है, बट इज इजी टू अंडरस्टैंड, पूरा लिखा हुआ है समझने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना जरूरी है, राइट। पर अगर यही चीज इसी वे में समझानी है तो दो तरीके हैं, एक है आपका डेटा टेबल और दूसरा है आपका ग्राफ्स। डेटा टेबल और ग्राफ, डेटा टेबल का एग्जाम्पल ये है, ग्राफ का एग्जाम्पल ये है, इसी डेटा के हिसाब से मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर डेटा क्या है, प्राइस और डिमांड,
प्राइस और डिमांड का हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। आप डिमांड के चैप्टर में देखोगे थोड़ा आपको अंदाजा आएगा यहाँ पे कि प्राइस अगर 20 है तो डिमांड 20 है, प्राइस कम हो रही है 50 तो डिमांड कितनी है 40 है, प्राइस अगर 10 है 10 रुपीज तो कितनी है डिमांड 60 यूनिट हो गई, और प्राइस अगर 5 रुपीज हो गई बॉटम लाइन क्या डिमांड 80 हो गई। तो ये डेटा के अनुसार पता चल रहा है कि प्राइस जैसे जैसे डाउन जाती है ऐसे ऐसे डिमांड बढ़ती है, तो इसे डेटा लेवल बोला जाता है, जॉब स्टैटिस्टिक्स में भी बढ़ते हैं। और दूसरा है ग्राफ, ग्राफ में क्या है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जनरली एक्स एक्सिस पे जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे डिमांड, डिमांड लिख नहीं पाया उसके लिए खेल जा पाओ, पर प्राइस की वजह से डिमांड में जो असर हो रहा है देखो ये सब चुकी वजह है आप देख रहे हो कि भाई जब 20 की प्राइस है तो आपकी यूनिट्स 20, फिर 15 है तो 40, 10 है आपका 60 और 5 है आपका। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, तो इतना सारा कैलकुलेट करके इसको नहीं निकाल सकता, तो एक्स एक्सिस में इन्होंने क्या लिया 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट कैलकुलेट किया गया, जो मैथ्स में पढ़ चुके हो स्केल कैसे करती है, और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20। तो इससे आपको इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस डाउन जा रहा है ऐसे ऐसे स्लोप नीचे जा रहा है और सामने डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट, कंप्लीटली आपको पता चलना चाहिए किस तरह से ये चीज होती है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है मैं आपको सुधार देता हूं, यहाँ पे भी आएगा और लाइन आपका, ठीक है, तो ये 100 पे कुछ नहीं है और 80 तक आपको 20, 40, 60, 80 किसके हिसाब से है 20, 15, 10 और 5 के हिसाब से, 20, 15, 10 के हिसाब से 20, 40, 60, 80, तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि पूरा ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, राइट। इस तरह से बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं जो आगे आप पढ़ोगे, बार डायग्राम है, डिवाइडेड बार डायग्राम है, क्लस्टर बार, ये सब आगे के लेक्चर में आप पढ़ोगे। ये डेटा टेबल है, ये ग्राफ, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, जनरली एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि ये प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है और जो लॉ बनाया है इकोनॉमिक्स में उसमें ये उल्टा होता है कि जो आपका डिमांड है जो डिपेंडेंट है वो एक्स एक्सिस पे और प्राइस जो डिपेंडेंट है वो वाई, बाकी ज्यादातर अगर पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड एक्स एक्सिस पे आएगा और आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट परसेंटेज में है वो वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया या सेंसस ऑफ इंडिया उसमें आई होप आपको यहां तक समझाया होगा, इसका पार्ट 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू वेरी मच, और आप सब सुरक्षित रहे, यही हम ऊपर वाले से बात करते हैं।